नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज़ आई टी एजुकेशन में स्वागत है आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार गूगल शीट का जो डेटा है उसको किस प्रकार वेब एप स्क्रिप्ट की हेल्प से अप्रूव या डिसप्रूव किया जाता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये मेरे ब्लॉग है और जैसे मैं ये इस प्रकार का एक वेब स्क्रिप्ट की हेल्प से बनाया हुआ है और जैसे मैं इसको अप्रूव करूँगा जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये गूगल शीट का जो डेटा है वो इस स्क्रिप्ट में आ चुका है अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया अप्रूव्ड तो ये डेटा यहाँ पर अप्रूव हो चुका है ठीक है और यहाँ पर ये और जैसे मैं इसको करूँगा डिसअप्रूव तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर डिसअप्रूव हो चुका है और कुछ समय बाद में, में यहाँ पर यह ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिसअप्रूव हो जाएगा और जैसे मैंने यहाँ पे किया अप्रूव तो यहाँ पर ये डेटा अप्रूव हो चुका है तो इस प्रकार का एक एप्लीकेशन किस प्रकार बन जाती है इस एप्लीकेशन के द्वारा आप गूगल शीट का जो डेटा है उसको अप्रूव और डिसअप्रूव कर सकते हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले ये हमारा ब्लॉग है इसको ओपन करें इसका यूआरएल आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें क्लिक टू गेट गूगल शीट विथ सोर्स कोड इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया टैब ओपन होगा उसको आप केयरफुल रीड कर लें इसको आप इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको आपको फिल करना है और आपको यहाँ सर्विस नंबर नाइन्टी थ्री मेक ये वाले आपको सेलेक्ट करना है मेक वन टाइम अप्रूवल एंड डिसप्रुल सिस्टम इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको यूजर आई डी और पासवर्ड आपके ई मेल पर रजिस्टर्ड ई मेल आई डी आप होगी उस पर आपके वो सेंड किए जाएंगे उसको ओपन करें और आपको जो आई डी पासवर्ड है वो यहाँ पर एंटर करने हैं इसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है इसके बाद आपके जो इनबॉक्स में जो आईडी मैप है वो जो सर्विस मैप है वो यहाँ पर शो हो जाएगी इससे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है इसके बाद ए कॉपी पर क्लिक करना है जिससे कि जो ये गूगल शीट है वो आपके ड्राइव में सेव हो जाए इसके बाद आपको एक्सटेंशन पर क्लिक करना है देन स्क्रिप्ट पर क्लिक करें यहां से पे क्लिक करना आपको देन न्यू डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करें, और यहां से आपको एनिवेंस सेलेक्ट करना है इसके बाद पे क्लिक करें देन ओथराज एक्सेस पे क्लिक करें और यहाँ पर आपकी मिलेटी सेलेक्ट करें देन एडवांस पर क्लिक करें देन गो टू डाटा अप्रोवल पर क्लिक करें आप और इसके बाद में आप कुछ टर्म कंडीशन है इसको आपको अलाउ पे क्लिक करना है यह आपका यू आर एल क्रिएट हो चुका है यानी आपका गूगल शीट डाटा अप्रूवल सिस्टम बन चुका है यह आपका सिस्टम बन चुका है अब जैसे आप यहाँ पर अप्रूव करेंगे जैसे मैं इसको अप्रूव किया मैंने अप्रूव्ड तो आप देखेंगे यहाँ पर जो चार नंबर का डाटा है वो यहाँ पर अप्रूव हो चुका है ये आप देख पा रहे रहेंगे और जैसे मैं इसको करूँगा डिसप्रूवड तो ये डाटा यहाँ पर है वो ये डिसअप्रूव हो चुका है तो कुछ समय बाद में ये अपडेट हो जाएगा जैसे ये अपडेट हो चुका है इसमें नेट स्लो की वजह से नहीं हो पा रहा है जैसे मैंने इसको अप्रूव किया तो ये डेटा यहाँ पर अप्रूव हो चुका है और ये सारे यहाँ अप्रूव हो चुके हैं और आप चाहते हैं जैसे मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना माल जैसे मुझे यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जैसे कंट्री इंडिया किया इसके बाद स्क्रिप्ट ओपन करें स्क्रिप्ट में जो हमारा जो कॉलम है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वो ये कॉलम आ रहा है टेन नंबर पे तो अब हमें यहाँ पर जो लाइन नंबर टू थ्री है यहाँ पर हमें टेन टाइप करना है इसके बाद इसको सेव करना है और इसके बाद जो इंडेक्स फाइल है इसको ओपन करना है और यहाँ पर स्टेट के आगे हमने कंट्री लिखा था तो यहाँ पर हमें इसे कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर कंट्री कंट्री टाइप कर दिया देन सेव और इसके बाद मैंने इसको डिप्लोम क्लिक किया देन पे, पे क्लिक किया देन न्यू पे क्लिक करें देन पे क्लिक किया आप देख पाएंगे यहाँ पर ये यू आर एल क्रिएट हो चुका है और ये इसमें नया ये एड हो चुका है कॉलम कंट्री का अब जैसे मैं इसको अप्रूड करूँगा जैसे ये डेटा ऑलरेडी अप्रूड है तो इसको दोबारा अप्रोड नहीं कर सकते देन सेकेंड कॉलम है पेज पे क्लिक किया और यहाँ पर इसको मुझे वेरीफाई करना है जैसे सात नंबर का है डाटा है इसको वेरीफाई करना है देन इस पर अप्रूड किया तो आप यहाँ देखेंगे कि सात नंबर का जो कॉलम है रो है उसका डेटा अप्रूड हो चुका है और यहाँ से देन इसके बाद मैंने आठ नंबर को डिसप्रूड किया तो यहाँ पर आठ नंबर का ये डिसएप्रूड हो चुका है और आप देखेंगे यहाँ पर ये यह वन टाइम इसके बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाता है उसके बाद ये अप्रूव या डिस अप्रूव नहीं कर सकते इसमें वन टाइम अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं गूगल शीट के डाटा को अब इस जो यू आर एल है आप इसको इम्ब्रेड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में या इसको लॉग इन आई डी और पासवर्ड के अंदर भी इम्ब्रेड कर सकते हैं जिससे कि कोई गूगल शीट का जो डाटा है या कोई भी सूचना है उसको आप अप्रूव कराना चाहते हैं या डिसअप्रूव कराना चाहते हैं इसमें छिटनी करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के द्वारा आप उस डेटा को अप्रूव और डिसअप्रूव कर सकते हैं अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें किसी प्रकार की समस्या तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके धन्यवाद